किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो है नींबू की हस्तबहार। नींबू की हस्तबहार में जो फूल आते हैं वो अक्टूबर नवंबर में आते हैं और जो फल आता है वो मार्च अप्रैल में। किसान भाइयों, अमरूद की तरह ही बहार हमेशा तीन होती है किसी भी फल में। अंबे बहार, जिसमें हमारा जनवरी फरवरी मार्च में फूल आता है, फसल मिलती है जुलाई अगस्त, जून से अगस्त। दूसरी होती है ये हस्त बहार और एक होती ये हमारी हस्त बहार होती है, एक होती है मृग बहार। मृग बहार में हम मार्च अप्रैल में जैसा जून में फूल आता है और सर्दियों में हमारी जो है ना उसकी हमारे को फल मिलते हैं। नींबू में सर्दियों के फल कोई नहीं लेना चाहता, जैसे अमरूद में अधिकतर बरसात के नहीं लेना चाहते क्योंकि सर्दियों में उसकी जो है पैसे नहीं मिलते। बहुत अच्छी फसल तो बहुत होती है लेकिन उसके उनको उसकी आमदनी नहीं होती, रेट कम होता है, सब इसकी गर्मियों में लेना चाहते हैं। अब अगर आपके पौधे आप सोचते हैं फल देने लायक हो गए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि पौधा छोटा है या बड़ा है, अगर आप हस्त बहार के फल लेना चाहते हैं तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भाई हस्त बहार के फल किस प्रकार लेंगे, क्या तैयार। किसान भाइयों, आज है 1 सितंबर 1 सितंबर 2019 और ये मेरे पौधे देखिए, ये मेरे पौधे मुझे तो लगता है फल देने के लायक हो गए पर मैं इनमें जरूर कुछ फल लूंगा। ये लेमन के पौधे हैं, देखिए कितना स्वस्थ पेड़ है, थोड़ी कैनोपी भी धारण की है। इनके नीचे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने सफाई करवा दी है अभी, कल फिर बारिश हो गई थी थोड़ी पर इतनी नहीं हुई थी तो ये सफाई करा। ये मेरी नींबू की लाइन है, इसमें कुछ पौधे बहुत अच्छे हैं, कुछ छोटे हैं, छोटों पे नहीं पर बड़ों पे मैं लूंगा। और इन दोनों के बीच में देखिए ये घास हो गया, इस घास को मैं आज साफ करा दूंगा बिल्कुल और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा बुहाई करके। तो नींबू की हस्त बहार लेने के लिए आपको क्या काम करने हैं, पहला काम ये करना है अपने नींबू के आसपास ये घास को सब साफ करा। दूसरा काम क्या करना है कि आपको इसमें अब पानी नहीं देना है, अगले 20 से 25 दिन तक पानी नहीं देना है। देखिए अगर ऊपर वाले की मेहर हुई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी भर गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पानी नहीं देना है। जो भी निराई गुड़ाई करनी है एक दो दिन में करके उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल सफाई कर दीजिए और उसको निराई गुड़ाई करके छोड़ दीजिए। इसे बोलते हैं पौधे को ताव देना, यानी हम उसे ये बता रहे हैं कि अब अपना भोजन संग्रहित कर लो और आप इसको, ये डोरमेंट एक स्थिति होती है उसमें चले जाते हैं, सुसुप्ता अवस्था की अवस्था में चले जाते हैं और इनमें कोई भी पत्तियां निकलना बंद हो जाएगी और इसमें ये जितना भी भोजन मिलेगा इन्हें, जहाँ से नींबू को वैसी पानी की कम जरूरत आवश्यकता होती है, वो सब इसके तने में और इसकी पत्तियों में संग्रह होता है, बेसिकली तने में संग्रह होता है। अब हम 20 सितंबर को क्या करेंगे कि इसमें अच्छी तरह से खाद लगाएंगे, जो मैंने बताया था वो मैं 20 सितंबर से पहले एक वीडियो में बताऊंगा क्या खाद लगाना। आपको इसमें प्रतिवर्ष पौधे के हिसाब से खाद लगाना है, जैसे कम से कम इसमें आपको 25 किलो आपको गोबर का खाद डालना है और 200 ग्राम यूरिया डालना है और 300 ग्राम सुपर फास्फेट डालना है और 300 ग्राम पोटास डालना है, 25 ग्राम बोरोन करना है, 25 ग्राम जिंक करना है। यानी प्रत्येक पौधे के लिए 25 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 200 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम पोटास, 25 ग्राम बोरोन, 25 ग्राम जिंक, अगर आप रासायनिक खेती करें। ये जो मात्रा मैंने बताई है ये 5 वर्ष के पौधे के लिए। अब जिनके 5 वर्ष से कम के पौधे हैं, मान लीजिए 2 वर्ष के हैं, 3 के हैं, 4 के, तो वो इस मात्रा को आधी कर दी। इतने खाद का इंतजाम आप करिए और जब खाद देने का नंबर आएगा बताएंगे तब आप बताएंगे। खाद हमेशा पौधे से कम 6 इंच और 1 फिट की दूरी पर दिया जाए। आप देखिए इस पौधे में मैंने जो है ना यहाँ पर थोड़ी, तो जितना भी खाद है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पड़ेगा। पौधे को जो खाद देते हैं वो उसकी कैनोपी देखिए यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमें यहाँ तक इसमें खाद देना पड़ेगा, यानी 6 इंच से आगे और जहां तक पौधे का फैलाव है वहां तक हमारे को खाद लगाना पड़ेगा। अब 20 से 25 तारीख तक आप ये काम करेंगे, उसकी निराई गुड़ाई कर अच्छी तरह उसमें खाद डालेंगे।
खाद डालने के बाद में आपको उसमें सिंचाई करनी है, यहाँ ध्यान रहे ड्रिप से नहीं, आपको फ्लड इरिगेशन करना है, यानी नाली से पानी चलाना, और पानी इतना अच्छी तरह चलाना है कि पूरी जमीन में नमी बन जाए, बहुत अच्छी इतनी नमी बन जाए कि 15 दिन तक 10 दिन तक उसमें से नमी नहीं जाएगी, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियों के दिन आएंगे तो इतने पानी की आवश्यकता नहीं, तो पानी दें अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास में फूल आने शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में फूल आएंगे, जब फूल आने शुरू हो जाएंगे आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है जब तक उन पर फल चने के दाने के बराबर न बढ़े, और क्या करना है ये हम आपको अगली वीडियो। किसान भाइयों, ये थी नींबू की हस्त बहार की तैयारी, हर आदमी लेना चाहता है मार्च अप्रैल के नींबू, और गर्मियों में नींबू का रेट बहुत अच्छा हो, तैयारी करिए, तुरंत जुड़ जाइए इससे, और आप देखेंगे कि आपके नींबू आए। ये विधि हमारी जो हमारे अमेजिंग किसान ग्रुप पे है नावेद भाई ने बताई है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि अधिक से अधिक हो, जो हमारे किसान भाई है अमेजिंग किसान ग्रुप पर उन सबको पता है, नावेद भाई समय समय पर ये बातें बताते रहते हैं, मैं उनको एक तरफ लिख लेता हूं, फिर उसको एक लेख के रूप में लिखता हूं, और इस लेख का टाइटल है नींबू की हस्त बहार। आप www.amazingkisan.com पर जाइए, और वहाँ पर जो आपके आर्काइव एक सेक्शन है, पब्लिकेशन में जब जाएंगे तो आर्काइव एक ऑप्शन है, उसमें जाइए, वहाँ पर आपको नींबू की हस्त बहार के बारे में लेख मिलेगा, और आप इसको पढ़िए और हस्त बहार की तैयारी। एक बार फिर धन्यवाद है नावेद जी का जिन्होंने ये बताया है, और शायद हमारे सभी भाइयों ने, मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है, ये तैयारी शुरू कर दी है, और देखते हैं कि इसका क्या होता है। किसान भाइयों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।